students, I hope you will be fine. This is the fourth lecture on research philosophies and approaches. Last lecture में हमने तीन important चीजें देखी थी जिनमें एक epistemology, ontology and pragmatism. आज हम philosophy के कुछ और aspects जो हैं वो देखेंगे. इनमें नंबर वन जो है दिस इज द पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म क्या होता है? ओनली बिलीव्स इन साइंटिफिक नॉलेज. पॉजिटिविज्म में या पॉजिटिविस्ट जो हैं उनकी अप्रोच ये होती है कि वो सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज पे बिलीव करते हैं, वो नॉलेज जिसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग हो, और ये एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर या एक्सटर्नलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं. वो चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पॉजिटिविज्म एस्पेक्ट. नॉलेज वेरीफाइड थ्रू अ सेंसरी अप्रोच. सिर्फ वो नॉलेज जो सेंसरी अप्रोच से, आँखों से, कानों से, स्मेल से, टच से हम वेरीफाई कर सकते हो, उस अप्रोच में, उस तरीके के नॉलेज को हम कहेंगे दैट इज अ पॉजिटिविज्म, दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच. पॉजिटिविज्म में हम एक और चीज़ क्या देखेंगे? सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, एंड देयरफॉर द बेस्ट वे टू स्टडी सोसाइटी इज टू यूज द साइंटिफिक मेथड्स. रिसर्चर्स का ख्याल है कि सोसाइटीज़ जो हैं उनके रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को बनाने के लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच का सहारा लेना चाहिए, साइंटिफिक मेथड का, लॉजिकल मेथड का सहारा लेना चाहिए, और इस साइंटिफिक मेथड को अपनाने के लिए जो अप्रोच पीछे काम करती है, जो फिलॉसफी पीछे काम करती है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिविज्म. और वो लोग जो पॉजिटिविज्म के ऊपर बिलीव करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजिटिविस्ट. Information derived from sensory experience, interpreted through reason and logic, from the exclusive source of all certain knowledge, will be called the positivism approach. हर वो इलम जो sensory experience से, नाक, हाथ, touch, hearing से हम develop करें या जिसको हम analyze कर सकें, इंटरप्रेट थ्रू रीज़न एंड लॉजिक, और फिर उस नॉलेज के ऊपर हम को रीज़न और लॉजिक पेश कर सकें, उस इलम को, उस तरह के इलम को जो हासिल किया जाता है, डेवलप किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, दैट अप्रोच इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म. इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए पॉजिटिविज्म को हम एक और एंगल में देखते हैं. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, पिस्टमोलॉजी. पिस्टमो था नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, और लॉजी था स्टडी, यानी कि इल्म के बारे में जानना. इसको मज़ीद इजी करें तो पिस्टमोलॉजी का मतलब क्या है? टू गेट द ट्रू नॉलेज. ट्रू नॉलेज हासिल करने के हिस्ट्री में तीन तरह के सोर्सेज जो हैं, तीन तरह के मेथड जो हैं वो पेश किए गए हैं. उनमें एक थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक. अगर हम इन तीनों को, तीनों अप्रोचेस को जो एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू हम एनालाइज करते हैं, कि एपिस्टेमोलॉजी हम चेक करते हैं कि ये इल्म किस तरीके से डेवलप होते हैं, तो नंबर वन थियोलॉजिकल अप्रोच क्या है? दैट इज़ अ रिलीजियस बिलीफ. हम किसी चीज़ के ऊपर रिलीजियस के तौर पे क्या मानते हैं, रिलीजियस किताबों में क्या लिखा है, उसमें क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और उसकी बेस पर किसी इल्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, तो वो थियोलॉजिकल अप्रोच कहलाएगी. यानी कि एपिस्टेमोलॉजी जो थियोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू होगी, उसमें हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स के थ्रू, रिलीजियस बिलीफ्स के थ्रू फैसला करेंगे. नंबर टू मेटाफिजिकल. मेटाफिजिकल में क्या है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन की बेस के ऊपर फैसला करते हैं कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है. नंबर थ्री जो है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट की है, वो है साइंटिफिक अप्रोच. साइंटिफिक में हम सेंसरी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो हवासे खमसा हैं उनके थ्रू जो है वो चीज़ें जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आएँ, जिनको हम फील कर सकें, टच कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक
अप्रोच, साइंटिफिक सोर्स ऑफ नॉलेज। अब इन तीनों को मजीद क्लियर करने के लिए कि ये तीनों एपिस्टेमोलॉजीज जो हैं नॉलेज डेवलपमेंट के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए किस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको कोरोना वायरस 19 जो हमारा आज का लेटेस्ट कंसेप्ट चल रहा है उसकी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे मुल्क में डिफरेंट किस्म की आप वीडियोज़ देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो उसमें जो हम मुस्लिम्स हैं हमारे बहुत सारे इलाज जो कोरोना के हवाले से या कोरोना फूटने के हवाले से इस वबा के, वो बहुत सारे रिलीजन सोर्सेज के थ्रू भी इसका सुराग मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों का अकीदा, मुस्लिम्स का अकीदा यही है कि जो हमारी रिलीजियस किताबों में लिखा है या हमारे जो रिस्पेक्टेबल रिलीजियस पर्सनैलिटीज जो बातें कह रही हैं, जो चीज़ें बता रही हैं, वो सारी की सारी जो हैं ठीक हैं। लिहाजा कोरोना एक अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है या एक सज़ा है, लाइक दैट। तो जो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर हम बातें करते हैं, इसकी एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं और फिर हम इलाज भी ढूंढते हैं डिफरेंट सूरतों के थ्रू, डिफरेंट आयात के थ्रू। दिस इज कॉल्ड थियोलॉजिकल अप्रोच, एपिस्टेमोलॉजी, थियोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजी टू गेट द नॉलेज। नंबर टू जो है, दिस इज द मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या है, अगर कोरोना के हवाले से देखें तो आप जैसे कि बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारा ख्याल है, हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी परसेप्शन है कि जैसे जैसे हीट ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे हम कोरोना से जान छुड़ाएंगे या निजात पा लेंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, परसेप्शन है, कुछ साइंटिफिक प्रूव अभी तक नहीं हो सका। जैसे कि आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि दिस इज जस्ट अ परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ। तो एपिस्टेमोलॉजी जो हमने मेटाफिजिकल के थ्रू कोरोना के ऊपर लगाई, तो उसमें हमारी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी परसेप्शन है, अपना ख्याल जो है वो मेटाफिजिकल के थ्रू आता है। नंबर थ्री जो है, दैट इज़ अ साइंटिफिक। अब जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वो रिसर्चेस कर रहे हैं, वैक्सीनेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके डिफरेंट मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इसके हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिम्टम्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ड्यूरेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इवेंचुअली जब इस तरीके से वो मेडिसिन तैयार कर लेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स बन जाएंगे, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन जो है अपना काम शुरू कर देगी, वैक्सीनेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके जो फार्मूले हैं वो बता दिए जाएंगे, तो जो साइंटिफिक तरीके से जो नॉलेज गेन होगा, जो नई वैक्सीन तैयार होगी, उसे हम कहेंगे कि ये एपिस्टेमोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है वो साइंटिफिक है, दैट इज़ अ पॉजिटिविज्म। यानी कि पॉजिटिविस्ट ने साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, सेंसरी अप्रोच के थ्रू इसका हल निकाला है। लिहाजा अभी सारी दुनिया जो है, WHO जो है, क्या काम कर रही है, वो पॉजिटिविस्ट के साथ लगी हुई है। सबसे ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू इसकी वैक्सीनेशन होगी, मेडिसिन तैयार होंगी तो मसले हल होंगे। जो रिलीजियस लोग हैं उनका नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, और उनका ख्याल ये है कि फ़लाँ फ़लाँ आयत पढ़ें, ये इलम पढ़ें और इसके थ्रू जो है ये कोरोना जो है वो भाग जाएगा। और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने अकीदे के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी ऑब्जर्वेशन परसेप्शन के ऊपर ये कहते हैं कि नहीं, कोरोना जो है ये गर्मी की वजह से या कुछ और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से जो है वो ख़त्म हो सकता है। दे आर नॉट कन्फर्मिंग इट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजी टू गेटिंग द नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। हमारा जो बेसिक लर्निंग है वो है सेंसरी अप्रोच। सेंसरी अप्रोच मीन्स साइंटिफिक, साइंटिफिक मीन्स पॉजिटिविज्म। यानी कि वो तमाम लोग जो नॉलेज को सेंसरी अप्रोच, साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर, डाटा के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, लैब्स के ऊपर यकीन रखते हैं और उसके थ्रू बनाई गई मेडिसिन पे बिलीव करते हैं, उसे हम कहते हैं दे आर द पॉजिटिविस्ट, और इस फील्ड को कहते हैं पॉजिटिव।